दुनिया भर के जो सक्सेसफुल लोग हैं इन सब के अंदर मेहनत, डेडिकेशन, पेशेंस, इन सब के अलावा एक बात है जो कॉमन है, ये सब लोग किताबें बहुत पढ़ते हैं। इन सब को किताबों से रोज का रोज नॉलेज गेन करने की आदत है। वॉरेन बफेट अपने करियर की शुरुआत में रोज के 800 पेजेस पढ़ते थे। उनका कहना है कि वो आज भी रोज के 8 घंटे पढ़ते हैं। बिल गेट्स ने भी अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो साल भर के अंदर 50 किताबें पूरी कर देते हैं। इलॉन मस्क इस बंदे ने फिजिक्स से लेके रॉकेट साइंस तक सब कुछ खुद किताबें पढ़कर सीखा है। उनके सक्सेस और उनकी कंपनीज के बारे में आप जानते ही हो, और भी कई सारे बड़े-बड़े नाम हैं और इन सब के ऊपर मैंने कई सारे वीडियोस बनाए हैं। आप सबको बार-बार मैं इनकी हैबिट्स के बारे में बताते रहता हूं, लेकिन एक सवाल है जो आप लोगों की तरफ से सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि किताबें हमको भी पढ़नी है भाई, हमको भी नॉलेज गेन करना है, लेकिन इतना ज्यादा वक्त कहां से लाएंगे, इतने सारे किताबें कैसे खरीदेंगे, इतने सारे पैसे कहां से लाएंगे। तो अब इसका सॉल्यूशन मिल गया है। एक बहुत ही अच्छा ऑडियो लर्निंग प्लेटफॉर्म आपको रेकमेंड कर रहा हूं, जहां पर आपको किताबें पढ़नी नहीं है, आप सुन सकते हैं, वो भी कई सारे रीजनल लैंग्वेजेस के अंदर। 1000 घंटे से भी ज्यादा घंटे का कंटेंट है यहां पर। नाम है कुकू FM। साल भर के सब्सक्रिप्शन की फीस है 399 रुपीज। उसके अंदर भी अगर आप हमारा JT20 ये कूपन कोड यूज करते हो तो आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा, यानी कि 319 रुपीज पर ईयर। एक दिन का 1 रुपया भी नहीं हुआ यार। किताबों का प्रॉब्लम सॉल्व, टाइम का प्रॉब्लम सॉल्व और खास करके बजट का प्रॉब्लम सॉल्व। इतने रुपए किसी फालतू जगह पर फालतू काम में वेस्ट करो, उससे अच्छा उतने पैसों के अंदर आप इतना ज्यादा नॉलेज गेन कर सकते हो। बायोग्राफीज, सेल्फ हेल्प, मोटिवेशन, बुक समरीज, पॉडकास्ट, करंट अफेयर्स, ड्रामा, सिनेमा, हॉरर और भी बहुत सारी कैटेगरीज है। बहुत ही अच्छा ऑडियो लर्निंग प्लेटफॉर्म है, इंडिया का है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, चेक इट आउट। नॉलेज ही है जो इंसान को आगे बढ़ाता है। जिस फील्ड में आपको इंटरेस्ट है उस फील्ड में अपना नॉलेज बढ़ाओ, आप खुद ब खुद आगे बढ़ने लगोगे। कूपन कोड क्या रखा तूने? JT20 जस्टेक से JT टोटो के नाम से भी रख सकता था अगर रखना चाहता तो, लेकिन ऐसा करना ही नहीं था ना मुझे। तू एक काम कर, तूने ये पढ़, ठीक से पढ़।